नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं आपको आज लेकर आया हूं हापुड़ जिले के जिरोठी गांव में, और यहां पर ज्ञानेंद्र वो एक किसान हैं और उनके सुपुत्र अनुज, दोनों पिता पुत्र मिलकर खुशी खुशी खेती करते हैं। दरअसल इस खेती को वो कितना लाड़ करते हैं और उस लाड़ से वो खेती इन्हें कितना लाड़ करती है, ये माँ और बेटे जैसा रिश्ता है। इस रिश्ते के ताने बाने को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये 2 एकड़ का खेत है, इसमें 300 पेड़ नींबू के लगे हैं। एक पेड़ पर 2 क्विंटल नींबू आप मानकर चलिए, जैसे ये मैच्योर होता है, और इसका मतलब 30 रुपया भी अगर आप 1 किलो का पकड़कर चलें तो ये 18 लाख रुपए के हो जाते हैं। और आजकल जो रेट चल रहा है जिस तरह से 60-70, तो अगर 60 रुपया मानकर चलें तो आज की डेट में 36 लाख रुपए के बनते हैं। इनके अंदर जो प्याज लगी हुई है, मुझे ये बताया गया है कि ये प्याज 300 क्विंटल तक पैदा की जाएगी, और ये 300 क्विंटल प्याज कितने पैसे की बैठेगी ये भी मुझे ज्ञानेंद्र बताएंगे। स्वागत है आपका स्मार्ट खेती में, और मैं आपको लेकर आया हूँ हापुड़ जिले के जरोठी गांव में, और यहाँ पर ज्ञानेंद्र स्मार्ट किसान हैं, और उन्होंने जो खेती की है उनकी खेती को गाँव के लोग भी देखते हैं, और जो इनके खेतों से निकलते हैं वो भी देखते हैं, क्योंकि ये ज़मीन को प्यार करते हैं और ज़मीन इन्हें वापस अपना लाड़ प्यार पूरा पूरा देती है। आप सहमत हैं इस बात से? जी बिल्कुल। तो जो मैंने जो यहाँ पर बताया, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? कि पहले तो आप प्याज का बताइए, आपने कुल मिलाकर ये खेती नींबू की है, लेकिन प्याज के बारे में मैंने सुना कि प्याज अपने आप में बंपर प्रोडक्शन देगी। कितना प्रोडक्शन देगी, कितना पैसे का हो सकता है ये? 150 क्विंटल एकड़ की होगी भाई साहब प्याज, और दो एकड़ है कुल। 2 एकड़ है, 300 क्विंटल प्याज होगी हमारी, 2 एकड़ है, और बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी की प्याज होगी जो हमने किर्री से तैयार की हुई प्याज। एक प्याज का वेट कितना हो जाएगा? ये 300 से 400 ग्राम। क्या बात है, कोई कोई प्याज आधा किलो का भी होगा? आधा किलो की प्याज होंगी हमारी, कम से कम 15%। क्या बात करें, ये 300 क्विंटल प्याज कितने पैसे की आप मानकर चलते हैं? कम से कम 9 लाख के आसपास बैठेगी। कितने दिन की खेती है ये? 70 दिन में तैयार हो जाएगी। 70 दिन में 9 लाख रुपया 2 एकड़ जमीन से मात्र, अगर 2 एकड़ का किराया भी मानकर चलें तो 50,000 से ज्यादा नहीं होता हो? नहीं होता जी, 50,000 से ज्यादा नहीं होता, लेकिन इसमें मेहनत और हमारी मेहनत और स्प्रिंकलर द्वारा। लेकिन मैंने सुना आप मेहनत तो करते ही नहीं है, आप अपना दिमाग ज्यादा चलाते हैं। जी हम स्प्रिंकलर से ही पानी भी मतलब हाथ से नहीं फेरते हैं। हाँ। हम सारा स्प्रिंकलर द्वारा ही, हमारा जो सरकार द्वारा हमें सब्सिडी से मिला हुआ है इसी से हम पानी लगाते हैं, लेकिन पानी हम सूर्य छिपने के बाद लगाते हैं, रात्रि में लगाते हैं, दिन में पानी नहीं लगाते। आज भी ये चला रखे हैं थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल, हमें दिखाने के लिए। हाँ जी, आपको दिखाने के लिए, लेकिन हमारे रात भर हम इसको पानी की व्यवस्था रखते हैं और बहुत सुंदर ढंग से पानी देते हैं। ज्ञानेंद्र हैं वो, उनके पुत्र हैं अनुज, दोनों मिलकर के खेती में मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं, और अनुज ने इसी 2 एकड़ जमीन पर नींबू का इनिशिएटिव लिया है। नींबू के बारे में अनुज बताइए, क्या है, कितने नींबू हैं, क्या आपका अंदाजा है? ये हमारी पाकिस्तानी कुंभकट वैरायटी है, कागजी में आती है ये, और ये 1 वर्ष की हो चुकी है, और अभी जो हमने इस पे प्रोडक्शन लिया, फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन लिया इस साल, तो 20 से 25 किलो का प्रोडक्शन हमारा आ चुका है, और जब ये 2 से 2.5 साल के हमारे प्लांट्स हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, उस टाइम पे मिनिमम 1.5 क्विंटल और मैक्सिमम 2 से 2.25 क्विंटल का हमारा प्रोडक्शन आएगा इनके। और रेट तो उतार चढ़ाव हमने 70-80 रुपये किलो में भी मार्केट की है, और 30 रुपये किलो भी मार्केट में रेट आ जाता है, 20 रुपये किलो भी, तो रेट का तो उतार चढ़ाव हो। एक औसत अगर 30 रुपये किलो हम पकड़ लें, 30 रुपये किलो पकड़ लीजिए औसत, तो 30 रुपये किलो से 2 क्विंटल का आप एवरेज लगा लीजिए। मतलब अगर एक पेड़ पर 2 क्विंटल हैं तो 300 पेड़ों पर 600 क्विंटल हो गए, और 600 क्विंटल जो है वो 3×6=18। हाँ, 18 लाख रुपए समथिंग प्रोडक्शन आ जाएगा इस पे। मतलब 18 लाख रुपए का नींबू साल भर में, 9.5 लाख रुपए की प्याज 70 दिन में, और 70 दिन के बाद क्या करेंगे आप? 70 दिन के बाद भाई साहब इसमें टमाटर लगाएंगे, नामधारी की वैरायटी आती है एक। हाँ। 50-13 है, और बहुत बढ़िया वैरायटी है, वो देसी वैरायटी है। वो कितने दिन की खेती है? वो हमारी 110 दिन की खेती है। इस 2 एकड़ में से कितना निकाल लेंगे, कितने क्विंटल टमाटर? इसमें हम लगभग 450 करेट एकड़ की हमारी टमाटर में टमाटर होता है अंदाजा। चूंकि आप तो टमाटर की खेती करते ही हैं,
आप इस 2 एकड़ से जो टमाटर निकालेंगे उस टमाटर से आप कितना पैसा कमा लेते हो? 5 लाख रुपए से भी 2 एकड़ में 2.5 लाख रुपए एकड़ बैठेगा टमाटर, कम से कम बैठेगा। 9.5 लाख रुपए की प्याज, 5 लाख रुपए का टमाटर, 18 लाख रुपए का नींबू, मात्र 2 एकड़ जमीन में। मैंने पहले भी बताया, अगर आप किराए पर भी लेते हैं तो 50,000 रुपए में आपको 2 एकड़ जमीन मिल सकती है, परंतु आपका इनोवेटिव आइडिया होना जरूरी है, आपकी समझ उस तरह की होना जरूरी है। सब लोग तो गेहूं बो रहे हैं, धान बो रहे हैं, गन्ना बो रहे हैं, लेकिन आप गन्ना वगैरह कितना बोते हैं? गन्ना नहीं बोते यहाँ बिल्कुल भी, हम गन्ना पहले बोते थे। अच्छा, गन्ना क्यों छोड़ दिया? गन्ना छोड़ दिया हमने क्योंकि गन्ने में इतना प्रॉफिटेबल नहीं, और दवाइयों का यूज, पेस्टिसाइड का यूज ज़्यादा करना पड़ रहा है गन्ने में। हाँ। तो गन्ना सिर्फ अगर हम लगाते हैं, सिर्फ क्रॉप रोटेशन के लिए 1 से 2 एकड़ लगाते हैं। कुछ किसान आराम तल भी हो गए हैं क्या गन्ना बोने से? गन्ना बोने से ज़्यादा आराम तल भी हो गए क्योंकि काम नहीं करना पड़ता, गन्ना बो करके घर सोते हैं आराम से, और उसमें गन्ना बोने के बाद कुछ काम नहीं रहता उनको, और यहाँ बच्चों की तरह रोजाना देखना पड़ता है जी, सुबह शाम दो सुबह शाम, रात को भी स्प्रिंकलर स्टार्ट करने हैं, रात को चेंज भी करने हैं। तो स्प्रिंकलर में हमारा क्या होता है, जो हमारा कीड़ा आता है ना बैक्टीरिया, उसको हम रात को स्प्रिंकलर चलाएंगे तो वो पानी से झड़ के नीचे गिर जाएगा, मर जाएगा। अच्छा। तो हम इसमें पेस्टिसाइड का पैसा बच गया हमारा, जो हम इसमें ये खरपतवार है इसमें हम नलाई निराई गुड़ाई करवाई वो वहीं पर डल गई, हमारी स्प्रिंकलर चले वो गल गई, हमारा फर्टिलाइजर मिल गया उससे, और हमने वर्मी कंपोस्ट डलवा दिया इसको फर्टिलाइजर के लिए, तो हमारे तीनों काम हो गए इससे, और कीड़ा जो है हमारा, बाकी हम अगर आवश्यकता है तो नीम ऑयल का यूज करेंगे। नीम ऑयल क्या, हमारा फ्लोवरिंग स्टेज जो है, फ्लोवर नहीं गिराने का नीचे, और पेस्टिसाइड जो है वो हैवी फूल गिरा देते हैं नीचे। मतलब ये समझने वाली बात है 2 एकड़ में। एक आखिरी सवाल इसमें शायद और बचता है, आपने 70 दिन में प्याज ले ली, आपने उसके बाद टमाटर ले लिया, लेकिन 365 दिन में अभी भी आपके पास समय शायद बचा रहा, उस समय में आप इस खेत में क्या? थोड़ा गैप देंगे, गैप देंगे, हाँ थोड़ा गैप देंगे, जुताई गुड़ाई करेंगे, और खेत की गुड़ाई करने के बाद उसमें हवा लगेगी, उसको इसको थोड़ा सा आराम मिलेगा, जमीन को आराम देंगे। जिस तरह से एक लेडी जो है वो बेबी अगर प्रेगनेंसी के बाद हुआ है तो उसके बाद एक पीरियड दिया जाता है कि भाई 3 साल बाद दूसरा बच्चा होना चाहिए, यहाँ पर भी कितने दिन का आराम आप जमीन को देते हैं? 2 से 3 महीने का आराम मिलना चाहिए, और उसमें जुताई गुड़ाई बढ़िया होकर के होगी तो पेड़ों में अच्छा मतलब वो होगा, फुटाव आएगा और थोड़ा आराम भी मिलेगा और जमीन को हवा भी लगेगी। बिल्कुल, मैं दरअसल ज्ञानेंद्र जी के पास 15 एकड़ जमीन है, और मैं बात कर रहा हूँ और हम खड़े हैं सिर्फ 2 एकड़ जमीन पर, और इस 2 एकड़ जमीन की बात करना जो है, जो मैंने बताया 5 लाख रुपया, 9 लाख रुपया और 18 लाख रुपया, ये सब कहाँ से है? ये सब इसी 2 एकड़ जमीन से है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे, कई सारे और उनके जो अपने प्रयास हैं, यहाँ पर बंद गोभी यहाँ पर लगी है, और यहाँ पर उन्होंने जो है फूल गोभी भी बोई हुई है। हम इन दोनों प्रयासों को भी देखेंगे और उनसे वो क्या और किस तरह से इकोनॉमी जनरेट करते हैं ये भी देखेंगे। आइए मेरे साथ। किसान अगर खेत पर होता है तो अपनी ज़मीन के नज़दीक होता है और ज़मीन से बात कर पाता है, संवाद कर पाता है, मिट्टी के टेक्सचर को, मिट्टी की जो तासीर है उसे समझ पाता है। जो ज्ञानेन जी हैं, उनकी जो कोठी है, उनका जो घर है, वो सामने पीछे आप देख रहे हैं, उसी के एकदम दरवाजे के सामने जो है आप बंद गोभी की खेती देख रहे हैं, और जहाँ अजेंद्र खड़े हैं, जहाँ कैमरा खड़ा है, वहाँ पर आप देखेंगे प्याज और नींबू, उसका उन्होंने 2 एकड़ का एक मार्वलस मॉडल उन्होंने खड़ा किया है। ये जो आप बंद गोभी करते हैं, इस इलाके में बंद गोभी काफ़ी होती हैं, तो आप जो करते हैं वो क्या कुछ अलग तरीके से है? एक बात तो ये, और आम तौर पर इस इलाके में बंद गोभी की खेती में कई बार नुकसान की खबरें भी सुनने को मिलती हैं कि बहुत सस्ती बिक गई,
और किसानों ने अपने खेत भी जोत दिए, इस तरह की भी बातें आती हैं। लेकिन क्या आप अपने आप को बचा पाते हैं? हाँ जी। कैसे? कुछ बचाव करते हैं हम, कुछ अर्ली वैरायटियां बोते हैं। अच्छा। हाँ, जो अगेती वैरायटियां बोते हैं तो उनसे बचाव हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अर्ली वाले भी मंदे में आ जाते हैं। अच्छा। मंदे की चपेट में। और ये बात सत्यता है कि सब बंद गोभी जुताई के कगार पर भी आ जाती हैं, लेकिन हमने ज़्यादातर अगेती वैरायटियों में नुकसान नहीं रहता। बराबर सराबर भी हम छूट जाएं तो इसमें हम अपनी आलू की फसल बो देते हैं। लेट वैरायटियां, जैसे आलू की कई वैरायटियां लेट आ रही हैं, उनको बो करके हम फिर भी बराबर सराबर रह जाते हैं। बंद गोभी में अगली हमें जो आलू की फसल है वो बच जाती है। बिल्कुल, मतलब आपको कभी जुताई नहीं करनी पड़ती। जुताई नहीं करनी पड़ती। और इसमें हमारी यहाँ से मदर डेयरी भी खरीदती है, हम अर्ली वैरायटियों को मदर डेयरी को दे देते हैं। फूल गोभी के बारे में क्या है? फूल गोभी हमारी बहुत अच्छी फसल है, और उसमें हमारी जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है वो एक मंडी उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया मंडी है साहिबाबाद, उसमें किसान से आड़त नहीं ली जाती। हाँ, ऐसी मंडी साहिबाबाद मंडी है, केवल उसमें 2 रुपये पल्लेदारी के कट्टा बैग उतारने के और चट्टा लगाने के लिए जाते हैं। आड़ती उसमें किसान किसी भी किसान से आड़त नहीं लेते, कमीशन नहीं होता। अच्छा। हाँ, बिना कमीशन की अंडी मंडी साहिबाबाद मंडी है उत्तर प्रदेश में। और उस मंडी में हमने अपनी सारी फूल गोभी जाती है, और थोक के रेट पर हमारी फूल गोभी उस मंडी में और के मुकाबले, किसानों के मुकाबले 50 से 100 रुपये तक महंगा बिक जाता है हमारा कट्टा, जो 60 kg का कट्टा जाता है हमारा। मतलब वहाँ पर फूल गोभी का रेट कितने रुपए किलो रहता है आमतौर पर? लगभग 20 से 25 रुपए किलो तक रहता है मंडी में। मंडी में, और इसके अलावा भी जब मंदी हो जाती है तो वो मंदी का तो कोई इलाज नहीं होता। और अगर हम 20 रुपया पकड़ कर चलें तो आपने कितना कितना गोभी बोई है, कितने एरिया में बोई है? 4.5 एकड़ गोभी है जी हमारे पास। तो 4.5 एकड़ में कितने किलो गोभी निकल जाएगी, आपको क्या अंदाजा है? नहीं, 1 एकड़ में हमारे में लगभग 550 से 600 कट्टे बैग निकल जाएंगे। एक बैग कितने वजन का होता है? एक बैग का पत्ते सहित तो 60 किलो का बैठता है, अगर पत्ते टूटने के बाद मोल फूल गोभी गोभी निकलती है उसमें से 32 किलो 30-32 किलो। एक मोटा सा अंदाजा मैं आपसे जानना चाहूँ, 4.5 एकड़ में जो आपकी फूल गोभी है उससे आप कितना पैसा उससे निकाल लेंगे, अगर 20 का रेट मिले? आप 20 का रेट मिले, खर्चा काट करके फिर हम 1.5 लाख रुपये एकड़ के हिसाब से तो बहुत आसानी से बैठ जाता है। अच्छा, बहुत आसानी से 1.5 लाख रुपये एकड़, जो हमारा मंदे में भी रह जाए तब भी इतना बैठ जाता है। बिल्कुल, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो खेती है उस खेती की कैलकुलेशन ये है कि आप ज़्यादा उत्पादन ले रहे हैं तो ज़्यादा कमाई कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको स्मार्ट खेती करनी होगी, स्मार्ट प्रोडक्शन करना होगा, किन चीज़ों को आप ज़्यादा रेट पर बेच सकते हैं, किन की कीमत आपको बाज़ार में ज़्यादा मिलेगी, इन सब चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। जैसा कि खुद ज्ञानेंद्र जी ने बताया कि 4.5 एकड़ है, 1.5 लाख रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से वहाँ पर सारे खर्चे निकाल करके वो उसमें से अपनी गोभी निकाल लेंगे, और इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 लाख, 3 लाख, 6 लाख, करीब 7 लाख रुपया आप उससे निकाल लेंगे। उसके बाद जब गोभी जो है आप बो लेते हैं तो अनुज आप हमें ये भी बताइए कि गोभी के बाद आप उसमें दूसरी फसल क्या लेते हैं? गोभी के बाद हमारा दूसरी फसल बेल वाली फसलों का सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो हम उसमें करेला, खीरा, तोरी, लौकी मिक्स फार्मिंग करते हैं हम, फिर कि 1 एकड़ करेला लगा लिया 1 एकड़, तो उससे लॉस के चांसेस नहीं रहते हमें। अच्छा। यही टेक्निक से हम इस टाइम पे फूल गोभी लगा ली, बंद गोभी लगा ली, टमाटर लगा लिया, आलू लगा लिया, तो इसमें हमारा रूटीन बना रहेगा कि हमें लॉसेस नहीं होने का। अगर एक फसल लॉस में तो दूसरी बेनिफिट में हमारी, और इसके बाद बेल वाली फसलों का सीजन स्टार्ट हो जाएगा। बेल वाली फसलों का क्या आपने असेसमेंट निकाला कि जो बेल वाली फसलें हैं वो आप कितने एरिया में बोते हैं? वो इसी में 4.5 एकड़ 5 एकड़ में। तो 5 एकड़ में मान लिया 7 एकड़ तो आप निकाल लेते हैं फूल गोभी से, बेल वर्गीय जो फसलें हैं इनसे जो आप उत्पादन लेते हैं वो कितने पैसे का ले लेते हैं? वो उसमें एक्चुअल में हमें क्वांटिटी तो फसल की पता नहीं चलती, क्योंकि डेली फूल आता है, डेली तुड़ाई होती है हमारी फसलों में। हाँ। लेकिन एक मोटा एवरेज पूरे सीजन का मोटा एवरेज 2 लाख रुपए एकड़ के समथिंग आ जाता है, मिनिमम 1.5-2 लाख रुपए एकड़ का आ जाता है हमारा बेल वाली फसलों में। बिल्कुल, मतलब वो जो इनका 4.5 एकड़ का पैच है करीब 10 लाख रुपया बेल वर्गीय सब्जियों से,
और 7 लाख रुपया जो है वो उन्होंने बताया कि वो फूल गोभी से ले लेते हैं, 17 लाख रुपया वहाँ से भी ले लेते हैं। और इस सब के अलावा, खेती के अलावा कुछ आप और भी काम करते हैं? नहीं, और नहीं, सारा खेती का ही करते हैं। वैसे हम अपना जैविक खाद बनाते हैं। अच्छा। हाँ, ये कैंचुए वाला बर्मी कंपोस्ट। अच्छा। हाँ, बर्मी कंपोस्ट तैयार। उसको भी सेल आउट करते हैं? उसको सेल आउट पहले अपनी पूर्ति करते हैं, बाद में बचता है तो करते हैं, नहीं बचता तो नहीं करते। तो मतलब ये जो घर गृहस्थी है सब खेती बाड़ी से चलाई जाती है? सब खेती बाड़ी से चलाई जाती है घर गृहस्थी। तो क्या आपको क्या लगता है कि अनुज जो है उसको आप खेती में ही एम्प्लॉयमेंट, मतलब अपनी जो लेगेसी है, अपनी विरासत जो है वो खेती के तौर पर ही सौंपना चाहेंगे, या फिर कहीं आपको लगा, ऐसा नहीं लगा कभी कि खेती घाटे का सौदा भी हो सकती है और बालकों को खेती से हटाना चाहिए, नौकरी में भेजना चाहिए वगैरह वगैरह? नहीं, नौकरी मेरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। पहले से ही मैं कहता था बेटा खेती करनी है, एक साथ मिलके करेंगे तो एक और एक हम 11 हो जाएंगे। तो 11 हो गए? अब हम 11 हो गए और हमारी खेती नंबर 1 की है, गांव में सबसे अच्छी खेती होती है। मेरा पहले से ही मन ये रहता था कि मका एक और एक हम दो नहीं होंगे 11 हो जाएंगे, और 11 की संख्या तो बहुत होती है। अब हमारे सामने काम का कुछ नहीं लगता, ये बाएं हाथ का खेल लगता है दोनों 11 के सामने। और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जिस दिन हम 11 हो जाएंगे तो खेती को नंबर 1 पे लाएंगे। तो अनुज कब से आपके साथ जुड़ा है? बचपन से ही? बचपन से ही जुड़ा है, लेकिन इसने पढ़ाई भी की है, MSc AG की है। ठीक है। और पढ़ाई में भी शिक्षा अब ज़्यादा तो लगा है ये 4 साल से। अच्छा। हाँ, 4-5 साल से। और हम बहुत ही अच्छी खेती और बेल वर्गीय फसलों में तो हम बहुत ही अच्छी फसल लेते हैं। और एक तो सोने पर सुहागा हो गया, जिससे हमें ये बर्मी कंपोस्ट किया है हमने शुरू में, खाद अपनी खाद स्वयं बनाना, स्वयं खेतों में डालना और अच्छी मतलब डबल फसल लेना। और ये तो ज़्यादातर तो परमात्मा के हाथ में, मौसम के हाथ में भी रहता है। कभी कभी जैसे ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसमें गैप भी हो जाता है फसल में, और ज़्यादातर फसलों में खरीफ की फसलों में ही गैप होता है थोड़ा बारिश से, लेकिन और कोई बारिश नहीं होती तो चलता रहता है। बिल्कुल। आखिर में मैं अनुज से एक बार और समझने की कोशिश करूंगा कि ये पिता का लाड़ प्यार है पापा जी का, कि उन्होंने कहा कि बेटा खेती करनी है, एक और एक 11 होना है, या खुद अपना भी इंटरेस्ट उसी में है? एक्चुअली मैंने जॉब भी की है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कंपनी नोएडा में जॉब की थी मैंने, तो उस सबको समझने के बाद यही लगा कि अगर हमारे पास कोई बिजनेस का सोर्स तो है नहीं, सिर्फ खेती है, अगर हम खेती से ही कोई अपना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी फूड प्रोसेसिंग का, अपनी जो क्रॉप है इनको प्रोसेस करके मार्केट में दें, तो इसी में हम अब रिसर्च कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, किस चीज़ को, मान लें ये हम लेमन को प्रोसेस करके बेच सकते हैं अचार बना के या जूस में, कोई भी चीज़, प्याज को कैसे प्रोसेस करना है, करेले का अचार डलता है उसको प्रोसेस करके बेच सकते हैं, तो इस चीज़ में रिसर्च कर रहे हैं अभी हम, और साथ ही साथ जो अपनी क्रॉप है उसको मंडी में भी सेल आउट कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और मैं जाहिर तौर पर, निजी तौर पर ये कहना चाहूँगा कि अगर बाप बेटे की जोड़ी हो तो वो ऐसी भी होनी चाहिए जहाँ पर एक और एक 11 हो जाता है और दोनों मिलकर के अपने काम को 4 चांद लगाने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं और करके दिखाते हैं, जमीन पर उतार कर दिखाते हैं। अगर आपके परिवार में भी इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिया गया है और आपने भी स्मार्ट खेती करके दिखाई है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आऊँगा आपके यहाँ तक और पूरी दुनिया को दिखाऊँगा आपके घर की स्मार्ट खेती।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।